हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये तीन प्रकार के पकोड़े मैं एक ही इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी। ये देखिए, लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज है। ये भाजी है, मतलब पोई बोलते हैं जिसे, आप लोग पता नहीं क्या आप बोलते होंगे। ये बैंगन है और आलू है। ये सब मैंने काट के रख लिया है। और ये बेसन ले लिया है एक बॉइल में, मतलब अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से मैं लूँगी। और ये जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल के मैं इसका एक घोल बना लूँगी। मिक्स करके हल्का हल्का इसमें पानी डाल के बनाऊँगी, जिससे कि ये मतलब लम्स ना बने इसमें, इसलिए डायरेक्ट पूरा पानी नहीं डालना, हल्का हल्का पानी डाल के इसको चलाते हुए। ये नमक भी डाल लिया है मैंने। मैं इसमें सोडा यूज़ नहीं करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सोडा अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने पानी डाल दिया और हल्का हल्का पानी डाल के इसको फेंटना है अच्छी तरह, जब तक इसमें पूरे लम्स ख़त्म नहीं हो जाए और एक हमें सॉफ्ट डो टाइप, मतलब एकदम जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह का गोल हमें मिलना चाहे। तो ये देखिए, मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसे इस तरह से चला चला के फेंट लूँगी और एक घोल तैयार कर लूँगी, जिससे हम पकोड़े बनाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस चीज़ की रेसिपी देखना है मुझसे, तो मैं वही रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सब डाल दिया है इसमें, मतलब पहले मैं इसमें भाजी जो है हमारी पोहे की भाजी है, हमारी घर की ही भाजी है, छत पे लगी हुई थी, तो इससे मैं डालूंगी और थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्च डाल के इसको तैयार करूँगा। बैंगन या आलू जो भी हमें जिसकी भी हमें पहले बनाना है, उसे मैं एक एक करके डाल मतलब ये घोल में डाल के और कढ़ाई में डालते जाऊँगी। ये देखिए, ये हमारा घोल कितनी अच्छे से तैयार हो गया। तो ये अभी हम आलू के बना रहे हैं, पहले तो ये आलू डालेंगे थोड़े थोड़े करके और इसे सीधे कढ़ाई में डालते जाएंगे। कढ़ाई को आप अवॉइड करना, क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसे ही रहती है। ये देखिए, तो आलू का मैंने डाल दिया पहले। पहले मैं आलू को डाल के इस तरह से निकालूँगी, फिर बैंगन को भी इसी तरह से डालकर एक एक करके उसको भी निकालूँगी, जिससे ये अलग की प्याज जो छोटी छोटी रहती है वो सारे घोल में फैल जाएगी, इसलिए मैं प्याज लास्ट में यूज़ करूँगी। आप भी ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है, और बारिश का मौसम हो तो मज़ा ही आ जाता है। एक बार ट्राई करके देखना हमारे पकौड़े। ये देखिए, ये इस तरह से चला चला के फिर इसे अच्छा ब्राउन होने तक सेकना, ज़्यादा तेज आँच में नहीं सेकना, जिससे ये मतलब स्लो फ्लेम में ही करना है, जिससे ये अंदर तक सिक जाए अच्छे से। बस हमारे पकोड़े हो जाएंगे, फिर हम निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हमें जो बैगन वाले हैं वो भी इसी तरह से बना लेना है। ये देखिए कितने क्रंची क्रंची निकले हुए हैं ना, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और ये खाने में भी सॉस के साथ या चटनी के साथ, आप किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के साथ ऐसे खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब ये मैंने बैगन वाले बनाना शुरू कर दिया है। ये बैगन मैंने जैसे आलू मैंने लिया था और एक एक करके डाला था, वैसे ही बैगन लेके एक एक करके डालना हमें। तो ये बैगन डाल के सॉरी ये बैगन डाल दिया है, ये बैगन की भी इसी तरह निकाल लेंगे हम। ये हम प्याज वाले बनाएंगे अब। तो प्याज के लिए हम सारा मतलब प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च ये सब डालेंगे और थोड़ी सी वही भाजी है जो पोई की भाजी, उससे भी थोड़ा सा डाल लेंगे, जिससे क्रंची भाजी डालने का एक ही मतलब रहता है कि उससे क्रंचनेस बहुत ज़्यादा जाती, बहुत ज़्यादा क्रंची लगती, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप भी ट्राई करके देखना और मुझे बताना, अपना फीडबैक शेयर करना अपने साथ, मेरे साथ भी।
ये देखिए ये मतलब प्याज वाली ऐसे डालना है हमें अलग अलग, जैसे एकदम अलग अलग रहे, ये इस तरह से डालना है। ये देखिए बस प्याज को भी हमने चला चला कर थोड़ी देर ऐसे ब्राउन करने तक सेकना है स्लो फ्लेम में, और फिर निकाल लेना है। ये देखिए ये हमारी प्याज के पकोड़े भी बनके तैयार हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पकोड़े बनके तैयार हैं।